डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, भाषा त्रैमासिक के संपादक ने सुझाया कि हिंदीतर भाषा भाषी हिंदी छात्र अपनी अपनी मातृभाषा की उत्तम रचनाओं का अनुवाद हिंदी में करे। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के पूर्व प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि हिंदी अध्यापन में गुणात्मक सुधार लाए। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय भाषाओं में विविध विषयों पर विश्वकोशों का निर्माण तुरंत किया जाना चाहिए। कार्यशाला का उद्घाटन केरल सरकार के संस्कृति मंत्री ने किया था। उन्होंने कहा कि अपेक्षित राजनीतिक इच्छा के अभाव के कारण ही हिंदी क्षेत्र में त्रिभाषा सूत्र का सही कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। इस विषय में जो उपेक्षा की भावना पाई जाती है, उसे दूर करना ही होगा। देश की भावात्मक एकता को सुदृढ़ करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। पैराग्राफ चेंज। उद्घाटन सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए केरल विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि यदि कहीं कहीं हिंदी विरोध के नाम पर केवल द्विभाषा सूत्र अपनाया जा रहा है, तो उसका मुख्य कारण कुछ हिंदी भाषियों की कट्टरवादिता है। हिंदी पर अपना अधिकार पाना दक्षिण जनता के लिए एक भौगोलिक आवश्यकता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के प्रोफेसर ने कहा कि हिंदी की उप पाठ्य पुस्तकों में प्रांतीय संस्कृतियों के अंशों का इस प्रकार समावेश करें कि हिंदी की प्रकृति में हस्तक्षेप न हो। केरल हिंदी प्रचार सभा के मंत्री एवं अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ के सचिव के कुशल निदेशकत्व में कार्यशाला अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बायोमास को कोयले में बदलने की साधारण तकनीक है। पायरोलाइजर योजनाकारों ने इस दशक के शुरू में यह भविष्यवाणी की थी कि देश में खाने के लिए पर्याप्त अनाज तो होगा, परंतु आने वाले समय में शायद उस अनाज को पकाने के लिए ईंधन न होगा। जिस प्रकार गांवों में ईंधन की कमी होती जा रही है, उससे तो यह भविष्यवाणी सार्थक होती दिखाई दे रही है। पैराग्राफ चेंज। यह हमेशा होता है कि आदमी अभाव और परेशानियों के तत्काल और तुरंत हल ढूंढने में लगे रहते हैं। इसका परिणाम होता है कि जिस पीढ़ी ने हल खोजा है, वह उन्हीं की समस्याएं हल करता है और आने वाली पीढ़ी पुनः नई समस्या और उनके हल में उलझकर रह जाती है। ईंधन की कमी का भी यही ख्याल है। इस समस्या के लिए भी फिलहाल वाला हल ढूंढा गया। बाहर से गैस या कोयला मंगवाकर इस समस्या का हल खोजा गया। समस्या का समाधान ऐसा होना चाहिए जो अस्थायी हो। उनके लिए तकनीक ढूंढी जाए, वह वर्तमान पीढ़ी परिष्कृत करे, इस तरह विकसित करे कि इससे आमदनी भी हो और स्वरोजगार के अवसर बढ़े। ईंधन की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित गांव है, वहां तो जल्दी से वैकल्पिक साधन भी नहीं मिल पाते। आवश्यकता है गांव के परिवेश में ही वैकल्पिक साधनों की खोज की जाए। गांव की समस्या का हल गांव में ही खोजा जाए। समाप्त।